आ जाओ मिठे आपको पकोड़े खिलाऊं। पकोड़े अभी आया। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई साहब क्या हाल है, ठीक हो, खुश हो, तबीयत से ठीक है? आ जाओ आपको पकोड़े खिलाऊं। और मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, मुझे जल्दी से पकोड़े खिलाओ भाई, मैंने मेहमानों को लेने भी जाना है। ठीक है भाई साहब, के लिए एक प्लेट पकोड़ों की लगाना। ये ले छोटू। और सुनाओ भाई साहब, काम कैसा चल रहा है? काम बहुत अच्छा चल रहा है भाई साहब, अल्लाह के फजल व करम से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, मैं आपको लेने आ रहा था, इधर शहबाज भाई मिल गए, इन्होंने मुझे पकोड़े खिलाए हैं। तुम भी इधर आ जाओ, एक साथ आगे चलेंगे, ठीक है? कौन था भाई साहब, क्या बात है? भाई साहब, जिन मेहमानों को मैं लेने जा रहा था ना, उनकी कॉल थी, वो अभी आ रहे हैं, फिर हम आगे एक साथ चले जाएंगे। एक तो मेरे पास पैसे कम है, और ऊपर से ये अपने दोस्तों को बुला रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। ओ भाई साहब, किन सोचू मैं गुम हो? कोई बात नहीं भाई साहब, आप पकोड़े खाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम भाई साहब, क्या हाल है, खैर खरियत है? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है, करम नवाजी। आप सुनाए कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। इनसे मिलिए, ये हमारे दोस्त है शहबाज भाई, बहुत बड़े टिकटॉक स्टार हैं, बहुत ही अच्छे दिल के मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई साहब इन दोनों के लिए भी पकोड़े ला दो। ये एक बुखर काम था जो अपने दो दोस्तों को भी बुला लिया, खाओ खाओ मुफ्त का माल जो है, तुम्हें क्या। और सुनाओ पकोड़े कैसे लगे, यहाँ तो शाह जमान पकोड़े वाला बहुत फेमस है। अच्छा भाई साहब, हम चलते हैं। खुदा हाफिज भाई साहब। ठीक है भाई साहब, मैंने तो एक बुखड़ को सलाह की थी, इसने तो दो और मंगा लिए, मेरे पास तो 100 है और इसने 500 का खर्चा करवा लिया, पता नहीं अब क्या होगा। अच्छा जो होगा देखा जाएगा, चलता हूँ दुकानदार के पास। भाई साहब अगर किसी के पास पैसे ना हो तो क्या करना पड़ेगा? बर्तन धोने पड़ेंगे, चल आ जा तू इधर।